हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मटर पनीर बनाना, तो आइए बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी मटर के दाने लिए हैं और ये हमने 300 ग्राम पनीर लिया है। ये छोटे प्याज लिए हैं, ये 6 से 7 प्याज हैं छोटे, और 3 टमाटर लिए हैं। ये मैंने लहसुन लिया है, ये 15 से 20 लहसुन की कलियाँ हैं। एक टुकड़ा अदरक का लिया है। तो आइए बनाते हैं मटर पनीर। ये मैंने एक चॉपर लिया है। सबसे पहले चॉपर के अंदर मैं ये लहसुन को डाल दूंगी, साथ ही मैं ये प्याज के टुकड़े भी कट करके इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने सारे प्याज को कट करके डाल दिया है, साथ ही मैं ये अदरक भी डाल दूंगी। मैं सारा मसाला एक ही साथ इसमें ग्राइंड कर लूंगी। टमाटर भी इसी में डाल देती हूँ मैं। इसको चॉप कर लेती हूँ और ये मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है। इसे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इधर ये मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं ये मसाला डाल दूंगी। भून लूंगी मैं मसाले को। मसाले को हमने मोटा ही रखा है, ज्यादा बड़ी ग्राइंड नहीं किया है। धनिया पाउडर 1 चम्मच, देगी मिर्च 1/2 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करूंगी। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, इसी के साथ मसाले के साथ मैं इसमें मटर डाल दूंगी, जिससे कि मटर हमारी मसाले के साथ ही पक जाए। और अब मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं। ये देखो, हमारी मटर ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मसाला भी अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये पनीर डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये मैंने 1/2 कटोरी पानी लिया है। इसे मिक्स हो चुका है और फिर से मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने दूंगी, जब तक इसका पानी अच्छे से पक ना जाए। तो आइए सब्जी चेक करते हैं। अब मैं इसमें ये 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, इसको भी इसी में डाल दिया है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है। बहुत चटपटी हो जाएगी सब्जी मम्मी, आपने जिस हिसाब से मसाले डाले हैं। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक बाउल में सर्व करूंगी।
और ये हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।